Morning students, so today we will do worksheet 9 of unit 4. Okay, so what is worksheet 9? So mera beta, worksheet 9 hai word problem. तो word problem भी बहुत easy है, जैसे आपने बाकी के sum किए हैं वैसे ही है, ठीक है। word problems को आपने ऐसा नहीं होता कि आप statement कैसे लिखेंगे, statement बहुत easy है, मैं अभी बताऊंगी आपको। जैसा question है आपने वहीं से ही word problem बनानी है, right? तो जैसे first question है, गीता हैज 8 मार्बल्स। गीता के कितने कितने मार्बल्स है उसके पास? 8 मार्बल मेरा बेटा, जो आप कंचे खेलते हैं ना, ठीक है, वो होते हैं। तो 8 मार्बल्स है गीता के पास। शी गेव 1/4 ऑफ देम। ऑफ देम मतलब 8 मार्बल्स, कि उसने 8 मार्बल्स का 1/4 अपने छोटे भाई को दे दे, टू हर यंगर ब्रदर। हाउ मैनी मार्बल्स डिड हर ब्रदर गेट। उसके भाई को कितने मार्बल्स मिले? अब गीता क्या थी मेरा बेटा, वो स्मार्ट थी, उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि जी मेरे ब्रदर को 2 मिले या मेरे ब्रदर्स को 3 मार्बल्स मिले या 4 मिले। हाँ, उसने क्वेश्चन को घुमा के बोला कि मैंने अपने ब्रदर्स को जितने मार्बल्स मेरे पास थे उसका 1/4 पार्ट दिया, ठीक है। तो 1/4 ऑफ देम मतलब 1/4 ऑफ 8 मार्बल्स, 8 मार्बल्स का 1/4 दिया। अब ये आपको फाइंड आउट करना है कि उसके ब्रदर को कितने मार्बल्स मिले, करेक्ट? अच्छा, ये तो आप फाइंड आउट करोगे। बात आती है अब हमारे पास स्टेटमेंट कैसे लिखे। कुछ नहीं करना, जो नंबर है उसको हाइड कर दो। गीता हैज मार्बल्स, गीता हैज मार्बल इक्वल टू कितने? 8, करेक्ट। अब इस नंबर को हाइड कर दीजिए। शी गेव मार्बल, इसकी जगह मार्बल लिख लेंगे। शी गेव मार्बल्स टू हर यंगर ब्रदर इक्वल टू कितना? 1/4 ऑफ देम, ये पूरा लिख लेंगे 1/4 ऑफ देम। अब ये जो देम है, देम का मतलब है मेरा बेटा 8, कितना है? 8, ठीक है। तो 1/4 ऑफ 8, क्लियर। अब देखते हैं कैसे बना क्वेश्चन। सी गीता हैज मार्बल इक्वल टू 8, शी गेव मार्बल्स टू हर यंगर ब्रदर इक्वल टू 1/4 ऑफ 8, देम की जगह क्या आ गया? 8, है ना। तो अब 1/4, जहां पर भी मेरा बेटा आपको ऑफ नजर आए, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है इसका मतलब? मल्टीप्लाई। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8, क्लियर। अब मेरा बेटा आपको पता है 8 के नीचे कुछ भी नहीं होता, तो उसके नीचे हमेशा क्या होता है? 1। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसके नीचे हमेशा होता है 1। अब मेरा बेटा आपको मैंने बताया था कि इनमें सबसे छोटा कौन है, आप बोलोगे 1, पर हम 1 को नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, तो कुछ तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ हमें। तो 1 से थोड़ा बड़ा कौन है? 4। अब जो 4 है ये कभी सामने कट नहीं करता है, ये हमेशा ऊपर करेगा, या तो ये 1 को कट करेगा या 8 को, बट 1 को हम नहीं काटते, मैंने आपको बताया था। बच्चा 8 के 4 की टेबल में 8 आता है? यस आता है। किसके? तो 4 1 4, 4 2 8, मतलब ये 2 से गया, ठीक है, बाय 4 लिख दिया कि 4 से मैंने इनको कट किया, 4 से 4 को कट किया, 4 से 2 को कट किया, कि 4 में वो पावर है जो इन दोनों को कट कर सकता है, ठीक है। तो ऊपर बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आमने सामने सिर्फ मल्टीप्लाई होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई 1, तो 2/1, तो 2/1 मतलब 2। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स हर ब्रदर गेट, उसके भाई को कितने मार्बल मिले? 2। तो कितने मार्बल्स मिले मेरे बेटा? 2। तो ये आया एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। अब है नेक्स्ट सम हमारे पास, आपको इसको अंडरलाइन 1/4 ऑफ देम की जगह इसको अंडरलाइन कर दो, कि सम मल्टीप्लाई का है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 प्लम केक वेट्स 3/4 केजी, इफ मिस्टर रमेश बायस 5 सच केक्स, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ केक डिड ही बाय। अब मेरा बेटा क्या हुआ कि जो रमेश है उसने केक लेने गया, वो ठीक है, उसने पूछा शॉपकीपर से कि 1 प्लम केक का वेट कितना है, तो उसने बोल दिया 3/4 केजी। फिर उसने बोला कि मुझे आप 5 केक पैक कर दीजिए, तो पहले तो यही क्लियर करना है कि ये सब मल्टीप्लाई का है कि डिवाइड का है, कहीं प्लस माइनस तो नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट आपने क्वेश्चन चेक किया, मिस्टर रमेश बायस 5 सच, जहां पे भी सच नजर आ जाए समझ जाओ ये सब मल्टीप्लाई का है, क्लियर है। अब वैसे भी आप इसको ऐसे भी अंडरस्टूड कर सकते हैं कि 1 की वैल्यू दी गई है और आपको फाइंड आउट करनी है ज्यादा की, क्योंकि 1 छोटा होता है और 5 बड़ा होता है ना, तो कम की वैल्यू दी गई है और ज्यादा की फाइंड आउट करनी है, ऑलवेज मल्टीप्लाई, ठीक है। ज्यादा मतलब स्पेलिंग किसकी बड़ी है? डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लीकेशन की स्पेलिंग बड़ी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऐसे हिंट भी लर्न कर सकते हैं। दूसरा टास्क आता है कि अब आपको लिखनी है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वैसे ही क्या आएगा, 1 प्लम केक वेट्स इक्वल टू 3/4 केजी,
तो क्या आएगा, मिस्टर रमेश बाय फाइव सच केक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई, एक आप ऐसे भी बना सकते हो, पूरी यही लाइन लिख देनी है, ठीक है। बट थोड़ा सा अगर इसको और अच्छा बनाना है तो आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ वन प्लम केक इक्वल टू 3/4 kg, तो वेट ऑफ फाइव सच केक्स इक्वल टू उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, मैंने इसको सॉल्यूशन दिया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है मेरा बेटा, कि वेट ऑफ वन प्लम केक मैंने लिखा हुआ है, वेट ऑफ वन प्लम केक इज इक्वल टू 3/4 kg, तो देयर फोर वेट ऑफ वन की जगह फाइव प्लम केक्स, एक की दी थी ज्यादा की निकालनी है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3/4 × 5। अब देखिए फाइव के नीचे कुछ भी नहीं तो हमेशा क्या होता है वन। अब मेरा बेटा इनमें सबसे छोटा कौन है, थ्री, थ्री किसको कट करेगा, थ्री ऊपर है तो ये नीचे वाले को कट करेगा, या फोर को या वन, वन तो हम लेते नहीं, फोर को, क्या थ्री के टेबल में फोर आता है, नहीं आता है, क्या फोर के टेबल में फाइव आता है, नो, मतलब ये कटिंग नहीं हो रही है। तो जब कटिंग नहीं होती है तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैंने थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई किया, फोर को वन से मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 5 = 15, 4 × 1 = 4। ऊपर क्या है, न्यूमिरेटर इज ग्रेटर, न्यूमिरेटर बड़ा है तो स्पेलिंग भी बड़ी, तो कैसी फ्रैक्शन हुई है, इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं मिक्सड वन में, ठीक है। तो 15 को, अब 4 का टेबल तब तक तो बोलूंगी जब तक तो मुझे 15 ना मिल जाए, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, ओहो 4 पे तो बड़ा हो गया, तो एक स्टेप पीछे, तो क्या मिला 3, तो 4 × 3 = 12, 5 − 2 = 3, 1 − 1 = 0। अब ऊपर से चले नीचे और नीचे से ऊपर, एक पूरा सर्कल पूरा करते हैं, कहाँ से शुरू किया, थ्री से, तो सेंटर में आ गया थ्री, बिल्कुल इसका सेंटर में लाइन, उसके बाद थ्री और लास्ट में फोर। आप ये जरूर चेक करना अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर फोर है तो नीचे भी फोर ही आएगा, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा आपके पास, द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज ₹25 1/2, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1:1/2 kg एप्पल। वही बात है, एक 1 kg एप्पल की वैल्यू दी गई है आपको, 1:1/2 की निकालनी, मतलब एक ही दी गई है, ज्यादा की फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, तो ये सम हुआ मल्टीप्लाई का, काय का सम हुआ ये मेरा बेटा, मल्टीप्लाई का। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये सम मल्टीप्लाई का, स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए, तो स्टेटमेंट वैसे, कॉस्ट ऑफ 1 kg, एक बात याद रखना जब भी रुपीज की बात की जाती है ना मेरा बेटा, स्टेटमेंट हमेशा कॉस्ट ऑफ से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, कॉस्ट ऑफ से। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इसकी जगह क्या आ गया, इक्वल टू ₹25 1/2, फिर व्हाट की जगह क्या आ गया, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1:1/2 kg एप्पल, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैंने इसको सॉल्यूशन लिया है, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹25 1/2। जब भी आपको मिक्स नंबर आता है आप उसको चेंज कर लीजिए, 2 को मल्टीप्लाई किया 25 से, या 25 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 25 × 2 = 50 प्लस 1, 51/2, ये ब्रेक हो गया, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1:1/2 kg एप्पल, तो 51/2 × 1:1/2। अब मिक्स नंबर है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 × 1 = 2 + 1 = 3, 3/2, ठीक है। अब इनमें आपने क्या किया मेरे बेटा, सबसे चेक किया 2 सबसे छोटा, बट 2 के ना तो 2 51 को डिवाइड करता है ना ही 2 3 को डिवाइड करता है, तो मतलब कटिंग नहीं हो रही है। जब कटिंग नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 51 × 3 और 2 × 2। अगर आपको कटिंग नहीं आती है, लिव इट, आप सिंपल कुछ नहीं करोगे, आप न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 51 × 3 और 2 × 2, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करके मुझे कितना मिल गया, 153/4। अब वही बात है, न्यूमिरेटर क्या है, बड़ा, तो स्पेलिंग भी बड़ी, तो किसकी स्पेलिंग बड़ी है, इम्प्रॉपर, तो ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हुई, तो इम्प्रॉपर को हम चेंज करते हैं मिक्स नंबर में, तो 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 का टेबल था जब तक हमें 50 ना मिले, तो 4 × 3 = 12, 5 − 2 = 3, 1 − 1 = 0, नीचे कौन आया, 3, अब 4 का टेबल तब तक बोलेंगे जब तक 33 ना मिल जाए, तो 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, ओहो 9 पे तो बड़ा हो गया, इट मीन्स 9 से नहीं जाएगा, 9 से पहले क्या आता है 8, तो ये 8 से गया, 4 × 8 = 32, तो 3 − 2 = 1, 3 − 3 = 0, करेक्ट। ऊपर से चले नीचे और नीचे से फिर ऊपर, एक सर्कल पूरा किया, कहाँ से स्टार्टिंग है 38, तो 38 आ गया, उसके बाद क्या है 1, तो 1:4, तो 4 आ गया, चेक करिए डिनोमिनेटर 4 है,
यस, ऊपर भी फोर ही है, इसका मतलब मैंने मिक्स नंबर सही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा हमारे पास कि मिस्टर गुप्ता पुट्स 3:1/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इन हिज कार। उनके कार में इतना लीटर पेट्रोल है। ही यूजेस 1/3 ऑफ इट, फिर वही बात आ गई, ऑफ इट। ऑफ इट का मतलब मेरा बच्चा 1/3 यूज किया किसका, 3:1/4 का, इस नंबर का 1/3 यूज किया। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिड ही यूज। अब मेरा बेटा देखो, मिस्टर गुप्ता भी स्मार्ट है, इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बोला कि जी मेरे पास 15 लीटर पेट्रोल था, 10 लीटर यूज कर लिया, कितना बचा, 5 लीटर। तब तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन तो हम क्लास 3 में करते थे। बट अब क्या हो गया, अब थोड़ा सा उसने ट्विस्ट ले आया क्वेश्चन में। उसने डायरेक्ट बोला मेरा बेटा कि जी मेरी गाड़ी में कितना पेट्रोल है, मेरी गाड़ी में है, उसने बोला कि मेरी गाड़ी में है 3:1/4 पेट्रोल, इतना लीटर पेट्रोल है, फ्रैक्शन में दे देता हूँ। ठीक है, मैंने, उसने ये नहीं बोला मैंने कितना यूज किया, उसने क्वेश्चन घुमा के बोला कि मैंने 1/3 यूज किया, कितना यूज किया, 1/3 ऑफ इट यूज किया मैंने, उसका सिर्फ 1/3 पार्ट यूज किया, तो मुझे बताना है कि कितना पेट्रोल यूज किया उसने। करेक्ट, अब वही बात है, ये तो क्लियर हो गया मुझे कि ये सम काय का मल्टीप्लाई, जब भी ऐसा आता है 1/3 ऑफ इट, ऑफ इट मतलब मल्टीप्लाई का सम है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर वही बात, इसको हाइड कर दीजिए नंबर को। मिस्टर गुप्ता पुट्स पेट्रोल इन हिज कार इक्वल टू कितना, 3:1/4 लीटर, क्योंकि ये जो नंबर होता है मेरा बेटा इसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ही यूजेस पेट्रोल कितना, 1/3 ऑफ इट, इट की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो नंबर दिया है। करेक्ट, और फिर हम लोग बता देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सम किया, ये मिस्टर गुप्ता पुट्स पेट्रोल इन हिज कार इक्वल टू 3:1/4 लीटर। करेक्ट, देयर फोर पेट्रोल ही यूजेस, कितना पेट्रोल उसने यूज किया, 1/3 ऑफ इट, इट की जगह क्या आएगा, 3:1/4 लीटर। वही बात है, मिक्स नंबर है, तो सबसे पहले मिक्स नंबर सॉल्व करते हैं। फोर को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री तक, या फोर का टेबल थ्री तक बोलिए, 4 1 4, 4 2 4, 3 12, 12, और आगे ऊपर 1 ऐड कर दिए, 12 + 1 13, तो 13/4 लीटर आ गया। 1/3 ऑफ की जगह मैंने आपको बोला था क्या आता है, मल्टीप्लाई, 13/4 लीटर, राइट। अब वही बात आ गई, इनमें सबसे छोटा कौन है, थ्री, क्या थ्री के टेबल में 12 आता है, नो, क्या फोर के टेबल में 12 आता है, नो, इसका मतलब ये कटिंग नहीं होगी, कटिंग हमेशा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होती है, कभी भी आमने सामने कटिंग नहीं होती है, समझ आए, आमने सामने कटिंग नहीं होगी। मल्टीप्लाई किया 1 × 13/3 × 4, तो 13 1 13, 3 4 12, तो मेरे पास आ गया मेरा बेटा कितना आ गया, 13/12 लीटर। अब 12 का टेबल तब तक, जब तक ये इसको हम डिवाइड करें, 12 1 12, 3 − 2 1, 1 − 1 0, तो ऊपर से चले नीचे, नीचे से ऊपर, तो 1:1/12 लीटर, इतना मेरे पास क्या उसने पेट्रोल खर्च किया, मिस्टर गुप्ता ने इतना पेट्रोल यूज कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट समय मेरे पास मेरा बेटा, नेहा स्पेंड्स 3/5 आवर्स अ डे इन मॉर्निंग एक्सरसाइज, हाउ मेनी आवर्स डज शी स्पेंड इन मॉर्निंग एक्सरसाइज इन 1 वीक। अब वही बात है, एक दिन का, देखिए अ डे, 1 डे का एक्सरसाइजिंग टाइम दिया हुआ है, तो 1 वीक का निकालना है, 1 वीक मतलब मेरा बेटा 7 डेज, तो मतलब एक की वैल्यू दी गई है, ज्यादा की फाइंड आउट करनी, तो काय का सम हुआ ये, मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, नेहा स्पेंड्स आवर्स अ डे इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज, कितने, 3/4 आवर्स, हाउ मेनी की जगह देयरफोर शी स्पेंड्स आवर्स इन मॉर्निंग एक्सरसाइज इन 1 वीक, ये 1 वीक की जगह क्या आ गया, इन 7 डेज, इक्वल टू मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम सम में लिख दिया मैंने, नेहा स्पेंड्स आवर इन 1 डे इन मॉर्निंग एक्सरसाइज, एक दिन में कितने आवर्स लगाती है मॉर्निंग एक्सरसाइज में, 3/4 आवर्स, कितने, 3/4 आवर्स, करेक्ट। देयर फोर नेहा स्पेंड्स आवर्स इन 7 डेज, 1 वीक मतलब 7 डेज इन मॉर्निंग एक्सरसाइज, तो 3/5 × 7, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, ये जरूर आपने लिखना है, तो 3/5 × 7, 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या आता है हमेशा ही 1। अब मेरा बेटा इनमें सबसे छोटा है 5, 3, क्या 3 के टेबल में 5 आता है, नो, क्या 5 के टेबल में 3 आता है, नो, कि 5 × 12 = 7 आता, नो, इसका मतलब कटिंग नहीं हो रही, जब कटिंग नहीं होती है तो नहीं होगी, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिरेटर को न्यूमिनेटर से, तो 3 × 7, 3 7 = 21, 5 1 = 5, तो अब ये बेटा न्यूमिरेटर बड़ा है तो स्पेलिंग बड़ी, तो कौन सी फ्रैक्शन हुई, इम प्रॉपर, चेंज इंटू मिक्सड वन,
फाइव का टेबल तब तो जब तो 21 ना मिले, तो 5 4 20 21 ऊपर से चले नीचे, नीचे से ऊपर, स्टार्टिंग कहाँ से की, 4 से, तो 4:1/5, तो 4:1/5, तो इतने आवर्स वो किसके वीक में यूज करती है मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए, करेक्ट। नेक्स्ट सम था मेरे बेटा, द थिकनेस ऑफ मैथ्स बुक ऑफ क्लास 5 इज 1:1/4 cm। एक मैथ्स की बुक की थिकनेस कितनी, इतनी मोटी है हमारी एक मैथ्स की बुक। वट विल बी द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 16 सच बुक्स। अब सच जब आता है तो हमेशा मेरा क्या होता है, मल्टीप्लाई। मेरा बेटा क्या होता है, मैंने मैथ्स की बुक ली, उसको मेजर की उसकी थिकनेस, थिकनेस मतलब उसकी मोटाई है ना, कितनी मोटी है वो, उसको मेजर किया तो वो निकली 1:1/4 cm। 16 बुक्स ले ली मैंने मैथ्स की और सबको क्या किया, एक के ऊपर रखा, फिर सबको मेजर किया तो कितनी उनकी थिकनेस हो जाएगी। वही बात है, हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई का समय, तो थिकनेस ऑफ वन मैथ्स बुक इक्वल टू 1:1/4 cm। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 1 4 + 1 5, तो 5/4 cm, करेक्ट। तो देयर फोर थिकनेस ऑफ 16 मैथ्स बुक, एक की वैल्यू दी गई, ज्यादा की निकालनी, हमेशा क्या कहते हैं मल्टीप्लाई 16, करेक्ट। 16 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमेशा क्या होता है 1। अब वही बात, इनमें सबसे छोटा कौन है, 4। क्या 4 के टेबल में 5 आता है, नहीं। क्या 4 के टेबल में 16 आता है, यस। तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया बाय 4, तो 4 1 4, 1 पे मिला, 4 का टेबल तब तो जो तो 16 ना मिल जाए, तो 4 1 4 4 2 8 4 4 4 16, 4 पे मिला, ठीक है। अब कटिंग नहीं हो रही क्योंकि नीचे सिर्फ 1 1 आ गया, तो 5 × 4, 1 × 1, तो 5 4 20 20/1। तो वही बात है, जिसके नीचे 1 होता है हम उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है मेरे बेटा, क्योंकि हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा क्या होता है 1, तो आगे 20 cm। तो 16 बुक्स की जो मैंने सभी को एक के ऊपर रखे, एक बड़ी सी पाइल बना दी, जो मैंने उसको मेजर किया तो कितनी आई उसकी थिकनेस 20 cm, ठीक है मेरा बेटा। तो ये थी आपकी वर्कशीट 9, तो आपने इसको करना है और उसको रिवाइज भी करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।